हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 11। आपको पता है हमारा एक कोर्स चल रहा है, बहुत ही छोटा सा कोर्स चल रहा है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स। हमारी जो बेसिक्स हैं, सिविक्स के बेसिक्स और फंडामेंटल्स, उनको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब तक मैं 10 लेक्चर ला चुका हूँ, तो उन सारे लेक्चर्स को आप ज़रूर देखें सो देट आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी हो सके। और ये चीज़ें अगर आपने कर ली तो फिर आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो लास्ट वाले दो लेक्चर्स में मैंने आपको लोकसभा, राज्यसभा और इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया था। अब हम थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ अगर बढ़ें तो स्टेट गवर्नमेंट के आज लेजिस्लेचर के बारे में हम जानेंगे। तो आपको पता है स्टेट जो लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट का सिस्टम वो कैसा है। सेंट्रल की एक अलग गवर्नमेंट है, स्टेट की एक अलग गवर्नमेंट है और लोकल लेवल पर एक अलग गवर्नमेंट होती है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, तो दोबारा मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। फिलहाल इतना ध्यान दो कि स्टेट गवर्नमेंट में भी तीन ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, ठीक है। और लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, यू ऑल नो वेरी वेल। द मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज टू फॉर्म द लॉज, टू फॉर्म द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द स्टेट। तो स्टेट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, लॉ बनाना, ये हमारे लेजिस्लेचर की जिम्मेदारी होती है। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसका क्या क्या कंपोजिशन होता है, किन किन चीज़ों से वो मिलकर बना हुआ होता है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, मैंने बताया लेजिस्लेचर जो होता है वो गवर्नमेंट का कैसा ऑर्गन होता है, ये गवर्नमेंट का फर्स्ट ऑर्गन होता है। लेजिस्लेचर गवर्नमेंट का कैसा ऑर्गन होता है, फर्स्ट ऑर्गन होता है। इसका काम क्या है, इसका काम है लॉ मेकिंग, कानून बनाना, विधि निर्माण करना। स्टेट के लिए कानून बनाना, विधि निर्माण करने का जो फंक्शन है वो किसका होता है, वो होता है स्टेट लेजिस्लेचर का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब स्टेट लेजिस्लेचर की अगर बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो समझो स्टेट लेजिस्लेचर में क्या आता है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत जल्दी मैं अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बताने वाला हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं पहले दिन से ही शायद बात कर रहा हूँ कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल के अनुसार ऐसा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा हम लेक्चर लेंगे, पहले हम बेसिक समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिर टाइप्स देखेंगे और फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बना उसका प्रोसेस भी देखेंगे। तो बहुत शानदार टॉपिक अभी आने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, DPSPs हो गई, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आएंगी। तो बहुत शानदार ये अपना कोर्स बनने वाला है, बहुत जबरदस्त वाला, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो ध्यान देना, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 168। कौन सा है, आर्टिकल नंबर 168, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 168, अब जैसे मैंने आपको अगर ध्यान हो तो मैंने बताया था कि आर्टिकल नंबर 79 में लिखा हुआ है, एक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आर्टिकल नंबर 79 में लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट होगी उसके तीन कंपोनेंट होंगे, या पार्लियामेंट तीन चीज़ों से मिलकर बनी होगी, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। सिमिलरली अब एक चीज़ और ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल फोटोकॉपी है, चीज़ें एक जैसी हैं, कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं है, बस आपको यहाँ पे नाम चेंज हो जाएंगे। तो हमारा आर्टिकल नंबर 168 ऑफ किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 168 क्या कहता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा उसमें मेनली क्या क्या हो सकती है, उसमें दो चीज़ हो सकती हैं, दो प्रकार का लेजिस्लेचर हो सकता है। पहला, एक तो गवर्नर हो और दूसरा उसके साथ कौन हो, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर थोड़ा सा वो लगा रखा है, ये उन्होंने कहा है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा वो कैसा होगा, या तो गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी किसी जगह पर, या गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो स्टेट का लेजिस्लेचर होगा वो आर्टिकल 168 में क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारा जो स्टेट का लेजिस्लेचर होगा वो कैसा हो सकता है, उसमें नेचर बताया है। पहला तो उन्होंने बताया, या तो गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी किसी स्टेट में, या गवर्नर और उसके साथ साथ क्या होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको लेजिस्लेचर का, ध्यान हो तो आपको, कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, लेजिस्लेचर जो होता है हमारा वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है बाइकैमरल और एक होता है यूनिकैमरल। आई होप यू रिमेंबर दिस। तो यूनिकैमरल, यूनी का मतलब होता है एक
और बाई का मतलब होता है दो। तो ये चीज़ जो मैंने बताई थी, ये बताई थी नंबर ऑफ हाउसेस के आधार पर। किसके आधार पर बताई थी? नंबर ऑफ हाउसेस के आधार पर। अगर किसी स्टेट में सिर्फ एक हाउस है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अगर किसी स्टेट में दो हाउस हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइकैमरल। तो ध्यान देना, जो लेजिस्लेचर है इसके हाउसेस की अगर बात करें, स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है अगर इसके हाउसेस की बात करें तो इसमें दो हाउसेस होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ध्यान देना, पहला होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो दो प्रकार के हाउस होते हैं। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स हैं सबके पास सेम सिस्टम नहीं है। किसी अब देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, स्टेट में चाहे वो यूनिकैमरल हो चाहे बाइकैमरल हो, मगर वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली तो आपको मिलेगी मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी मिलेगी। और अगर कोई स्टेट बाइकैमरल है तो वहाँ पर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी मिलेगी, साथ के साथ में गवर्नर दोनों जगह मिलेगा। ये चीज़ किस में लिखी हुई है? ये लिखी हुई है हमारे आर्टिकल 168 में। अब अगर हम बात करें कि इंडिया में क्या सिस्टम है, किस किस स्टेट में क्या क्या स्टेटस है, तो मैं अब एज ऑफ नाउ अभी के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी के लिए अगर बात करें, आपको पता है स्टेट्स की अगर हम बात करें, ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ फिर बता देता हूँ, स्टेट्स की बात करें तो आज की डेट में भारत में 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरेटरीज की बात करें तो कितनी है? 8 यूनियन टेरेटरीज हैं। ठीक है, अच्छा, जिसमें से 7 स्टेट, कितने स्टेट? अब 6 हो गए, सॉरी, 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर आपको क्या पाया जाता है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है। मैं इनके नाम पहले बता चुका हूँ, तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन कौन से 6 स्टेट हैं जहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अब जम्मू कश्मीर में नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था मगर अब जम्मू कश्मीर में नहीं। चलो मैं ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं। एक जम्मू कश्मीर हट गया, यूपी के साथ बिहार, फिर आता है आपका महाराष्ट्र और फिर इसके साथ आता है आंध्र प्रदेश, फिर आता है आपका कर्नाटक और इसके बाद आता है आपका तेलंगाना। ठीक है, तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर क्या पाया जाता है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है। या इन 6 स्टेट में क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर कैसे बना होता है? यहाँ पे गवर्नर भी पाया जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली पाई जाती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल पाई जाती है। मतलब इन 6 स्टेट में कैसा लेजिस्लेचर है? इन 6 स्टेट में है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ध्यान देना, बाइकैमरल लेजिस्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मैंने अपडेट करके बता दिया अब तक। अगर हम बात करें बाकी स्टेट्स में कैसा है, तो बाकी अगर हम ऐसी बात करें तो ये वाला जो सिस्टम है ये तो बाइकैमरल वाला हो गया और ये वाला जो सिस्टम है ये कैसा हो गया? यूनिकैमरल वाला। तो अब बचे कितने स्टेट? देखो 6 स्टेट में क्या है? बाइकैमरल है। तो बचे कितने? 28 में से 6 गए तो 22। तो अगर हम 22 स्टेट्स की बात करें, 22 स्टेट्स, यहाँ पर क्या पाया जाता है? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है, मतलब गवर्नर पाया जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली पाई जाएगी और 3 यूनियन टेरिटरीज। कितनी यूनियन टेरिटरीज? 3 यूटीज लिख देता हूँ शॉर्ट में। 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहाँ पर क्या पाया जाता है? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है। 3 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी दिल्ली, ध्यान देना दिल्ली। दूसरी आपकी पुदुचेरी, पहले ये पौंडीचेरी हुआ करता था, अब क्या हो गया? पुदुचेरी। और तीसरी अभी बन गई है इसमें जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान देना, जम्मू एंड कश्मीर पहले कंप्लीट स्टेट हुआ करता था और जम्मू एंड कश्मीर में पहले बाइकैमरल लेजिस्लेचर हुआ करता था, मगर आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर क्या बन चुका है? बाइफरकेशन हो गया, उसका दो स्टेट्स में टूट गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, कमेंट करके बताओ दोनों की कैपिटल क्या क्या है। और तो इन तीनों स्टेट, ध्यान देना, जम्मू कश्मीर आज की डेट में आपकी वो बन चुकी है क्या? यूनियन टेरिटरीज बन चुकी है। तो आज की डेट में 8 यूनियन टेरिटरीज में से, किस में से? 8 में से 3 यूटीज ऐसी हैं जहाँ पर क्या पाया जाता है? लेजिस्लेचर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेजिस्लेचर। और कैसा लेजिस्लेचर पाया जाता है? यूनिकैमरल। कैसा लेजिस्लेचर है? यूनिकैमरल। और 28 स्टेट्स को अगर हम डिवाइड करें, 22 में तो पाया जाता है यूनिकैमरल और 6 में पाया जाता है आपका बाइकैमरल। 6 में क्या पाया जाता है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और ठीक है, तो बस लेजिस्लेचर जो होता है इसमें दो हाउसेस होते हैं, पहला लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये तो अपना पिछला वाला हिसाब हमने पुराना किया है।
यहाँ पर मैंने आर्टिकल एक चीज़ ऐड कर दी है, आर्टिकल 168। तो आर्टिकल 168 में लिखा हुआ है कि जो स्टेट का लेजिस्लेचर होगा वहाँ पे दो प्रकार के फॉर्म हो सकते हैं, या तो स्टेट में गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, या गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। ऐसा कितने स्टेट्स में गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली? ऐसा 22 स्टेट और 3 यूनियन टेरेटरीज। 3 यूनियन टेरेटरी कौन सी है? दिल्ली, पांडिचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, बाकी 6 में क्या है? बाकी 6 में ना तो कोई असेंबली है ही नहीं, बाकी 6 में तो वो सेंट्रल के द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल होती है, प्रेसिडेंट का डायरेक्ट वहाँ पे क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। तो प्रेसिडेंट किसी एक एडमिनिस्ट्रेटर, किसी को एक एडमिनिस्ट्रेटर बना देता है कोई ऑफिसर को, और वो उसको मतलब टेक केयर करता है, कोई IAS ऑफिसर होता है या कोई और सीनियर ऑफिसर होता है, तो वो उसको इंचार्ज बना देते हैं किसका, बाकी जो रिमेनिंग यूनियन टेरेटरीज बची हुई हैं, 5 यूनियन टेरेटरीज। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो अपना स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है, अगर उसमें हाउस की बात करें तो उसमें दो हाउस हो गए, पहला हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, पहला हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। दूसरा क्या हो जाएगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल में तो मैं एक एक लेक्चर अलग से बनाऊंगा, आज तो थोड़ा थोड़ा सा इनका ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ओवरव्यू। और मैं नहीं चाहता ये जो लेक्चर बने ज़्यादा बड़े बड़े बने, छोटे छोटे लेक्चर बने तो आपको लोड नहीं आए। तो ध्यान देना, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हम बोलते हैं विधानसभा। क्या बोलते हैं? विधानसभा बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं विधान परिषद। क्या बोलते हैं? विधान परिषद। और एक चीज़ और ध्यान रखना, स्टेट लेजिस्लेचर को बोलते हैं विधानमंडल। क्या बोलते हैं? विधानमंडल। हिंदी ज़रूरी नहीं है पर फिर भी एक बार याद रख लो। और इसके जो मेंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? MLA। क्या बोलते हैं? MLA। और MLA की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होते हैं? MLA को बोलते हैं, ध्यान देना। और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? MLA। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं MLC। क्या बोलेंगे? MLC। MLC क्या हो गया इसका? मेंबर। और MLC की फुल फॉर्म क्या हो गई? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखो इनको हम कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें? ये तो बिल्कुल हो गया लोकसभा की तरह, किसकी तरह हो गया? लोकसभा। और ये हो गया राज्यसभा की तरह, मैं लिख नहीं रहा, जैसे हमने लोकसभा राज्यसभा पढ़े थे, तो ये लोकसभा की तरह हो गया और ये राज्यसभा की तरह हो गया। इसका जो इलेक्शन होता है वो जनरली कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। इसका इलेक्शन कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। ये फर्स्ट हाउस है, कौन सा? लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कैसा हाउस है? ये सेकंड हाउस है। इसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपर हाउस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपर हाउस बोलेंगे। ठीक है, पावर किसकी ज़्यादा होती है? ये मोर पावरफुल है। किसकी तुलना में ये मोर पावरफुल है? लेजिस्लेटिव काउंसिल की तुलना में। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। और इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी हाउस। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी या अनस्टेबल हाउस, बिल्कुल लोकसभा की तरह। टेम्परेरी और अनस्टेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको क्या किया जा सकता है? कभी भी डिजॉल्व किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? डिजॉल्व किया जा सकता है। डिजॉल्व कौन करता है? गवर्नर करता है। डिजॉल्व करने की पावर किसके पास है? गवर्नर के पास है। गवर्नर को सलाह कौन देता है? CM देता है। ठीक है, तो डिजोल्व करने की इनके पास पावर होती है। इसका टेन्यूर कितना होता है? टेन्यूर की अगर बात करें, किसकी बात करें? टेन्यूर की बात करें, कार्यकाल, इसका टेन्यूर होता है 5 ईयर। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का टेन्यूर कितना हो जाएगा? 6 ईयर। तो देख रहे हो, जो हमने राज्यसभा में पढ़ा था, लोकसभा में पढ़ा था, बिल्कुल ऐसी की ऐसी चीज़ें बनती जा रही हैं। और ये थोड़ा सा एक, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम परमानेंट हाउस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परमानेंट हाउस बोल सकते हैं। परमानेंट हाउस का मतलब है ऐसा हाउस जो कभी डिजॉल्व ना हो। इसका टेन्यूर कितना होता है? इसका टेन्यूर होता है 6 ईयर। 6 ईयर क्या हो जाएगा? इसका टेन्यूर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये बेसिक हम देख रहे हैं, कल इसको हम और डिटेल में समझेंगे, एक एक हाउस को देखेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मतलब अगर आपने मान लो पिछला वाला नहीं भी देखा तो यहाँ पे आइडिया लग जाएगा आपको। तो अपने हमने आज क्या देखा? स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में देखा। आज का टॉपिक जो है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। स्टेट लेजिस्लेचर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, एज वेल एज हमने देखा आर्टिकल नंबर 168। तो ध्यान देना, आर्टिकल नंबर 168 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ आपने जान ही ली है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम स्टेट लेजिस्लेचर में और डेप्थ में जाएंगे, थोड़ी सी डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी।
सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।